दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय हटके। तो दोस्तों कल मैंने Amazon ग्रेट इंडियन फेस्टिवल की सेल में आप लोग कैसे iPhone 13 को प्री बुक करना है इसके बारे में एक वीडियो डाली थी एंड उससे रिलेटेड आप लोग काफ़ी सारे डाउट थे, जैसे कि वो जो 2500 रुपये वाला कार्ड डिस्काउंट आप लोग को देखने के लिए मिल रहा था वो आप लोग को बैंक डिस्काउंट देखने के लिए मिलेगा या फिर नहीं, डेबिट कार्ड के ऊपर आप लोग कितने रुपये का डिस्काउंट देखने के लिए मिलेगा, कितना डिस्काउंट आप लोग को पहले के टाइम पर देखने के लिए मिल रहा था उतना डिस्काउंट आप लोग को मिलेगा कि नहीं, एक्सचेंज अगर आप लोग अपने किसी पुराने फ़ोन को करना चाहते हैं तो आप लोग कर पाएंगे कि नहीं, एंड उसी के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कि जिन लोगों ने iPhone 13 को परचेस कर लिया या फिर 14 को परचेस कर लिया एंड उनका जो ऑर्डर है वो अभी प्रिपेयरिंग फॉर डिस्पैच अगर उनको शो हो रहा है तो क्या उनका ऑर्डर कैंसिल हो सकता है। जिन लोगों के iPhone 13 के ऑर्डर में उनको अभी ये दिख रहा है कि अराइव्ड एट Amazon फैसिलिटी, लेफ्ट एट Amazon फैसिलिटी, उनका क्या ऑर्डर कैंसिल हो सकता है, मतलब बेसिकली जिनका ऑर्डर डिस्पैच हो चुका है एंड उसके बाद वो उनके घर तक शिप किया जा रहा है। उसी के साथ साथ दोस्तों एक बहुत बड़ा सवाल कि iPhone 13 की जो प्राइस है वो यहाँ पर 49,000 रुपीज हो गई है, तो क्या इस प्राइस ब्रैकेट में आप लोगों को iPhone 13 को परचेस करना चाहिए या फिर आप लोगों को अगले साल का इंतजार करना चाहिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले दोस्तों हम लोग iPhone 13 के प्री बुकिंग के टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों 2000 रुपए की हमारे प्री बुकिंग हो रही है, कल मैंने आप लोगों को वीडियो के अंदर किस तरीके से आप लोगों को प्री बुक करना है, कब आप लोगों को शॉपिंग करने को मिलेगी इसके बारे में मैंने कल एक डेडिकेटेड वीडियो आप लोगों को बना दिए, अगर आप लोग चेकआउट करना चाहते हैं प्रीवियस वीडियो आप लोग मेरी जाके देख सकते हैं। अब अगर आप लोगों से बात कर लें दोस्तों कि जितना बैंक डिस्काउंट आप लोगों को उस टाइम देखने के लिए मिल रहा था 2500 रुपए वाला, तो क्या फिर से वो डिस्काउंट आप लोगों को मिलेगा क्रेडिट कार्ड पर? तो नहीं दोस्तों, वो डिस्काउंट आप लोगों को नहीं मिलेगा। अब आप लोगों को जो डिस्काउंट मिलेगा दोस्तों वो आप लोगों को SBI क्रेडिट कार्ड पर तो मिलेगा, लेकिन आप लोग क्रेडिट कार्ड पर 1500 रुपए का डिस्काउंट देखने के लिए मिलेगा एंड अगर आप लोगों के पास डेबिट कार्ड है तब आप लोगों को 1000 रुपीज का डिस्काउंट देखने के लिए मिलेगा। हाँ, मतलब डेबिट कार्ड में तो वही डिस्काउंट देखने के लिए मिल रहा है जो आप लोगों को पहले देखने के लिए मिल रहा था, लेकिन अगर आप लोग चाहते थे कि लोएस्ट प्राइस में अगर आप लोग परचेस कर पाए तो वो ऑप्शन अब आप लोगों के पास अवेलेबल दोस्तों नहीं है। अब अगर दोस्तों आप लोगों से बात कर लें कि प्री बुकिंग का क्या मसला है, देखिए दोस्तों प्री बुक अगर आप लोग करते हैं अपने फोन को iPhone 13 को तो 2000 रुपए आप लोगों को पे करने पड़ रहे हैं और 2000 रुपए पे करने के बाद दोस्तों कल से 10 अक्टूबर से दोपहर के 12 बजे आप लोग चाहे उसको सुबह बोल ले या फिर अगर आप लोग दोपहर बोल ले जो भी आप लोग बोलते होंगे, तो आप लोग ये दोपहर के 12 बजे से तो रात के 11:55 तक रात तक कल आप लोग iPhone 13 को उसी प्राइस में परचेस कर पाएंगे। अब ये जो दोस्तों 2000 रुपए ये आप लोग को अलग से देने पड़ेंगे या फिर इसका प्राइस माइनस हो जाएगा तो क्या पूरा का पूरा सीन रहने वाला है वो आप लोग सुन लीजिए। ये जो दोस्तों 2000 रुपए है जो अभी आप लोग अभी पे करके प्री बुक कर रहे हैं ये आप लोगों के दोस्तों माइनस हो जाएंगे, मतलब अभी जैसे आप लोग को 48,999 रुपीज का देखने के लिए मिल रहा है, मतलब लगभग 49,000 रुपीज का, तो इसमें से 2000 रुपए अगर अपन कम कर ले तो लगभग 47,000 रुपीज आप लोगों को पे करने पड़ेंगे और इसके ऊपर फिर दोस्तों मान सम्मान जो भी आप लोगों के पास क्रेडिट कार्ड होगा जो भी डेबिट कार्ड होगा दोस्तों एप्लीकेबल रहेगा इसके ऊपर। लेकिन आप लोगों को ये चीज फिर बता दूं कि जितना डिस्काउंट आप लोगों को स्टार्टिंग वाले दिन के अंदर देखने के लिए मिल रहा था वैसा कुछ डिस्काउंट आप लोगों को देखने के लिए नहीं मिलेगा। अब अगर आप लोगों से बात कर लूं कि अगर आप लोग अपना पुराना फोन एक्सचेंज करना चाहते थे एंड तब आप लोग एक्सचेंज नहीं कर पाए और इसीलिए आप लोग अभी परचेज कर रहे हैं तो क्या अब आप लोगों को एक्सचेंज का ऑप्शन मिलेगा? बिल्कुल दोस्तों, एक्सचेंज का ऑप्शन आप लोगों को अभी भी देखने के लिए मिलेगा, लेकिन यहां पर मैं कैच है कि बहुत ज्यादा लो पॉसिबिलिटी है कि जो एक्स्ट्रा आप लोगों को एक्सचेंज बोनस देखने के लिए मिल रहा था 3,500 रुपए का वो आप लोगों को देखने के लिए मिल जाए। तो दोस्तों अगर ऐसा कुछ होता है तब ये बहुत ज्यादा खराब बात होगी क्योंकि भाई यहाँ पर मैं 3,500 रुपए जो एक्सचेंज एक्स्ट्रा बोनस है वो काफी ज्यादा क्रूशियल है, एक अच्छा खासा अमाउंट हो जाता है दोस्तों 3,500 रुपए, तो वो आप लोगों को एक्सचेंज बोनस शायद अब आप लोगों को देखने के लिए ना मिले। जो आप लोगों के फोन का आकलन करेगा Amazon वही आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा, एक्स्ट्रा जो 3,500 रुपए वाला दोस्तों जो मामला था ये शायद अब आप लोगों को देखने के लिए ना मिले, इसकी बहुत ज्यादा लो पॉसिबिलिटी है। अब अगर दोस्तों आप लोगों से बात कर लेगी अगर आप लोग कार्ड डिस्काउंट लगाते हैं तब इसकी जो प्राइस है वो लगभग आप लोगों को 46,000 रुपीज पड़ रही है, तो क्या इस प्राइस पर दोस्तों iPhone 13 को परचेस करना वर्थ इट है या फिर आप लोगों को अगले साल का वेट करना चाहिए? अगर दोस्तों आप लोगों को क्लियर आंसर दे दूं मैं तो अब आप लोगों को परचेस नहीं करना चाहिए दोस्तों iPhone 13, जो दोस्तों गोल्डन पीरियड था जब आप लोगों को परचेस करना चाहिए था। ऐसा दोस्तों मैं आप लोगों को क्यों बोल रहा हूं क्योंकि दोस्तों जो iPhone 13 है वो पिछले साल की बिग बिलियन डेज की दोस्तों जो सेल थी वहां पर आप लोगों को सिर्फ बैंक डिस्काउंट लगा देने के बाद 48,000 रुपीज का देखने के लिए मिल रहा था, मतलब 47,990 रुपीज का देखने के लिए मिल रहा था, मतलब आप लोग मान सकते हैं कि 48,000 रुपीज के लगभग आप लोगों को पिछले साल देखने के लिए मिल रहा था। तो दोस्तों अगर आप लोग इस साल अगर आप लोग परचेस करते हैं मतलब 1000 रुपए अगर आप लोग कम में परचेस कर रहे हैं तब दोस्तों उसका कोई मतलब नहीं बनता है मेरे हिसाब से, अब आप लोगों को iPhone 13 को परचेस नहीं करना चाहिए क्योंकि दोस्तों अभी इतनी प्राइस iPhone 13 की हो गई है वो बिल्कुल भी एक वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन आप लोगों के लिए नहीं रहने वाला है, एक ओवर प्राइस प्रोडक्ट दोस्तों अब iPhone 13 यहां पर बन चुका है। काफी लोगों ने यहां पर दोस्तों 42,000-43,000 रुपीज के अंदर iPhone 13 को परचेस कर लिया सिर्फ और सिर्फ बैंक डिस्काउंट लगा देने के बाद, तो वो एक अच्छी डील थी दोस्तों, लेकिन अब अगर आप लोग
परचेस करना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से दोस्तों एक अच्छा ऑप्शन नहीं है। बहुत ज्यादा प्राइस दोस्तों आप लोगों को पे करनी पड़ रही है आईफोन 13 की। और अगर आप लोगों को दोस्तों अब आईफोन 13 लेना ही है, अगर आप लोग चाहते कि भाई मेरा जो बजट था वो 40,000 रुपये ही था एंड इससे ज्यादा मैं एक्सटेंड नहीं कर पाऊंगा, मुझे जो है प्रॉब्लम हो जाएगी, तब आप लोग दोस्तों कैशिफाई से रिफर्बिश्ड आईफोन 13 परचेस कर सकते हैं। ये जो दोस्तों आईफोन 13 आप लोग मेरा देख रहे हैं, ये दोस्तों मैंने जो रिफर्बिश्ड ही परचेस किया था आईफोन 13 कैशिफाई से। अगर आप लोग वीडियो देखना चाहते हैं मेरे चैनल पर अवेलेबल है दोस्तों, आप लोग जाकर चेकआउट कर सकते हैं। मैं आप लोगों को दोस्तों ये चीज क्लियर बता दूं कि मैं कैशिफाई का कोई प्रमोशन आप लोगों के सामने नहीं कर रहा हूं, मैं आप लोगों के सामने सिर्फ मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा हूं कि अगर आप लोगों को लेना है, अगर आप लोगों का बजट कम है, तब दोस्तों रिफर्बिश्ड वाले ऑप्शन के साथ आप लोग जा सकते हैं। लगभग 37,000 रुपीज के अप्रोक्स आप लोगों को देखने के लिए मिल रहा है कैशिफाई पे। आप लोग अगर लेना हो तो आप लोग ले सकते हैं। अब अगर दोस्तों आप लोगों से बात कर लें आईफोन 14 वालों के लिए, और देखिए दोस्तों यहाँ पर मैं जो आईफोन 14 है वो उसकी जो प्राइस है वो भी यहाँ पर बढ़ चुकी है लगभग 56,000 रुपीज के अप्रोक्स। आईफोन 14 अभी आप लोगों को देखने के लिए मिल रहा है एंड इसके ऊपर फिर दोस्तों मान सम्मान जो क्रेडिट कार्ड का डिस्काउंट मिल रहा है, बैंक डिस्काउंट आपको मिल रहा है। तो अब दोस्तों जो आईफोन 14 है मेरे हिसाब से वो भी अब एक लेना अच्छा ऑप्शन आपके लिए नहीं है, क्योंकि वहां पर भी आप लोगों को दोस्तों आईफोन 14 की जो प्राइस है वो काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, और उसी के साथ साथ दोस्तों आईफोन 14 को भी 56,000-57,000 रुपीज में परचेस करने का कोई भी मतलब नहीं बनता। अब दोस्तों बेटर ऑप्शन यही है कि आप लोग जो है अगले साल का वेट कर लीजिए अगर आप लोग को नया आईफोन लेना है तो, या फिर अगर आप लोग रिफर्बिश लेना चाहते हैं तब आप लोग देख सकते हैं। उसी के साथ साथ दोस्तों आप में से काफी सारे लोगों का कमेंट आ रहा था कि ये जो आईफोन 13 जो मेरे हाथ में है इसका कवर आप लोगों को अच्छा लग रहा है, तो इस कवर की लिंक दोस्तों मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, अगर आप लोग परचेस करना चाहते हैं तो आप लोग कर सकते हैं। अब दोस्तों एक बहुत बड़ा सवाल यहां पर मैं ये खड़ा हो जाता है कि भाई अब आप लोगों ने अगर एक्सचेंज बोनस लगाया था एंड एक्सचेंज बोनस लगाने के बाद आईफोन 13 अगर आप लोगों को अंडर 40,000 रुपीज मिल गया था, तब दोस्तों जो भी आप लोग अपना पुराना फोन एक्सचेंज करने वाले हैं उसके लिए आप लोग किन किन चीजों का ध्यान रखना है दोस्तों, वो दोस्तों मैं आप लोगों को अगली वीडियो में बताने वाला हूं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आप लोगों से बात करना चाहूंगा बाय हटके क्रोम एक्सटेंशन के बारे में, जो कि एक स्मार्ट तरीका है बिग बिलियन डेज की सेल में, अमेज़न ग्रेट इंडियन फेस्टिवल की सेल में शॉपिंग करने का। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि अगर आप लोग कोई प्रोडक्ट परचेस करना है दोस्तों सेल के अंदर वो प्रोडक्ट आप लोगों को 15,000 रुपए का देखने के लिए मिल रहा है, लेकिन आप लोगों को नहीं पता कि क्या प्रोडक्ट आप लोगों को सेल के अंदर 15,000 रुपए का देखने के लिए मिल रहा है या फिर नॉर्मली भी उस प्रोडक्ट की प्राइस 15,000 रुपए ही रहती है। तो इस चीज को चेक करने के लिए दोस्तों आप लोग बाय हेड के क्रोम एक्सटेंशन का यूज कर सकते हैं। आप लोग ये चेक कर सकते हैं कि लास्ट 1 ईयर में उस प्रोडक्ट की लोएस्ट प्राइस कितनी गई है, उस प्रोडक्ट की एवरेज प्राइस कितनी रहती है, उस प्रोडक्ट के प्राइस ड्रॉप होने के चांसेस कितने हैं, 2-3 दिन में कितने हैं, महीने भर में कितने हैं, एंड उसी के साथ साथ जिस प्राइस पर आप लोग परचेस करना चाहते हैं दोस्तों आप लोग अलर्ट भी लगा सकते हैं। बाय हेड की क्रोम एक्सटेंशन की लिंक दोस्तों मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, जल्दी से जाइए और चेकआउट कीजिए। अब अगर दोस्तों आप लोगों से बात कर लूँ कि अगर आप लोगों ने आईफोन 13 को परचेस किया एंड अगर अब आप लोगों का जो ऑर्डर है वो आप लोगों को प्रिपेयरिंग फॉर डिस्पैच वाली कंडीशन के अंदर दिखा रहा है, तो क्या आप लोगों का ऑर्डर कैंसिल हो सकता है? तो दोस्तों अगर आप लोग जो क्लियर आंसर चाहते हैं तब अमेज़न जो है दोस्तों इतने ज़्यादा ऑर्डर कैंसिल नहीं करता है, तो बहुत ज़्यादा लो पॉसिबिलिटी दोस्तों कि जो आपकी जो कंडीशन है प्रिपेयरिंग फॉर डिस्पैच वाली के अंदर दोस्तों आपका जो ऑर्डर है वो जो कैंसिल हो जाए। एंड उसी के साथ साथ जिन लोगों को ये दिखा रहा है अपने फोन में कि अराइव्ड फ्रॉम अमेज़न फैसिलिटी लेफ्ट एट अमेज़न फैसिलिटी, मतलब जो भी लोकेशन हो सकती है वो दिल्ली हो सकता है, गुरुग्राम हो सकता है, मुंबई हो सकता है, नोएडा हो सकता है, या फिर किसी भी प्रकार की कोई भी लोकेशन हो सकती है वो, तो दोस्तों आप लोगों का ऑर्डर तो आप लोगों को मिल ही जाएगा, उसके अंदर कोई सोचने वाली बात ही नहीं, क्योंकि दोस्तों आप लोगों का जो ऑर्डर है वो जो इन ट्रांजिट है, तो अब वो ऑर्डर जो है दोस्तों कैंसिल नहीं होगा। तो यही एक कंफर्मेशन दोस्तों मुझे आप लोगों को देना था, आप लोग पूछ रहे थे कि भाई आईफोन 13 को भी परचेस करें या फिर ना करें, तो फिलहाल वीडियो में नहीं दोस्तों मैं आपसे चाहता हूँ, ज्यादा अगली बार दोस्तों आपसे फिर मिलूंगा नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।